बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इन स्टाइल क्रिएशन। व्यूअर्स, आज हम आपको एक कुर्ते की कटिंग करना सिखाएंगे, एक छोटे बेबी का, जिसके लिए हमने ये लैस ली है। ये देखें व्यूअर्स, इस लैस का इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ फूल लिए हैं, ये एक पंच है। ये देखें व्यूअर्स, हम इसको लगाकर आपको दिखाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये कपड़ा लेंगे। व्यूअर्स, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, ये हम तकरीबन 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए ये बनाकर आपको कटिंग करना दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसकी, ये जो हमारे शोल्डर होते हैं, इसका दरमियान वाला हमने तीरे की चौड़ाई और लंबाई लेंगे। ये हम तकरीबन ये 22 इंच रखते हैं इसकी लंबाई। ये देखें व्यूअर्स, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने इसकी लंबाई निकाली है। अब हमने शोल्डर जितना रखना है, हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। ये व्यूअर्स, ये तकरीबन हम 11 इंच रख रहे हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये 11 इंच हम इसको दरमियान वाला हिस्सा हम इसका ये कट कर देते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है और आपको बहुत पसंद आएगा। अब जिस तरह का स्टाइल चल रहा है, आपको उम्मीद है ये बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स, ये आगे और पीछे के दोनों ये तीरे हैं, ये हमने रखने हैं जितना हमारा शोल्डर होता है, जितनी आपकी बेबी का साइज़ हो उसके हिसाब से आप ये शोल्डर की लंबाई और चौड़ाई लें। ये व्यूअर्स, ये हमारा दरमियान वाला हिस्सा है। व्यूअर्स, ये हमने कलियों की लंबाई तकरीबन जितना हमारा आर्म होल होता है हम उसे छोड़कर और फिर नीचे से हम इसकी कलियों का साइज़ लेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको कट कर देते हैं, इधर से हमने गला बनाना है। ये व्यूअर्स, ये देखें, ये इससे थोड़ा सा अगर ये बड़ा है तो अगर हमने नीचे से इसके घूम ज़्यादा रखने हैं तो हम इसको
थोड़ा सा ऊपर से कम लेकर काट लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये यहाँ तक आएगा तकरीबन। तो ये वाला, ये इसकी जो चेस्ट है उसका साइज इतना होगा। अगर आपने यहाँ तक करना है, अगर हमने इतना रखना है, ये व्यूअर्स हम ये तकरीबन ये है, क्योंकि हमारा ये ज़्यादा था इसलिए हमने ये थोड़ा सा हम ऊपर से इसको कट कर देंगे। ये ऊपर और नीचे से एक जितना मिला कर रखें। व्यूअर्स ये बहुत आसान और बहुत प्यारा है, आपके बेबी को बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने इसकी कलियाँ बनाई हैं। व्यूअर्स जो हम कुर्ता बनाते हैं, हम ये रेब वाला हिस्सा हम यहाँ पर रखते हैं ऐसे। तो अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये हमारा और स्टाइलिश बनेगा। इसको हम काटे ना तो ये हमारे ये लगेगा, ये कोने नीचे गिरे हुए हैं और ये बहुत अच्छा स्टाइल बनेगा। और अगर आपने रेब वाला नहीं बनाना, आपने इधर से इसको सीधा रखना है तो आप सीधा भी कर सकते हैं। व्यूअर्स ये हमारी चारों कलियाँ हो गई। ये देखें व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो आप ऐसे रख दें। पहले हम इसके जितना हमने ऊपर बाजू लगाना है हम उसके हिसाब से इसको काट देते हैं। आपने आर्म होल जितना रखना है आप उतना इसको ऊपर से रखें और इसको कट कर दें। ये हम तकरीबन ये 6 इंचेस का हम रखेंगे। ये हम आगे से इसको कट कर देते हैं। ये देखें व्यूअर्स, व्यूअर्स इसके ये एक तरफ से ये जो कटिंग हुई हुई है, एक तरफ ये इसकी कन्नी है। हम कन्नी वाले हिस्से से इसके बाजू बनाएंगे। ये हम तकरीबन 10 इंचेस का रखेंगे। व्यूअर्स ये देखें, ये हमने इस तरह से इसको ये सीना है। अगर आप चाहें तो ये रेब वाला हिस्सा आप इधर भी लगा सकते हैं। अगर हम ये ऐसे लगाएंगे तो ये हमें थोड़ा सा ये यहाँ से हम इसे कट कर देंगे इस वाली चीज़ को। और अगर हम ये सीधी कलियाँ रखेंगे तो ये हमें कट नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़े से हमारे ये कोने नीचे गिर जाएंगे और ये बहुत प्यारा और स्टाइलिश बन जाएगा। और अगर आपने सिंपल बनाना है तो आप सीधे हिस्से को इस तरफ करें। व्यूअर्स ये बाजू हैं। अब हम आपको ये बताते हैं, ये हमारा आगे का ये दरमियान वाला हिस्सा। व्यूअर्स आप चाहें तो आप इसको पट्टी वाला गला बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे गोल बना सकते हैं, और आप चाहें तो आप
बैन भी लगा सकते हैं आपका जो दिल चाहे। ये तकरीबन 2 इंच का हम इसका आर्म होल ये नेक लाइन काटते हैं। आप चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं ऊपर से ही, और अगर आप चाहें तो इसकी पट्टी भी कट करके बना सकते हैं यहाँ तक की। ये व्यूअर्स, पहले आप इसको जो ये वाला हिस्सा होता है आप पहले इसके साथ इसको रख के सी दें, आगे और पीछे से दोनों कलियाँ इसकी लगाएं इस वाली कलियों में। ये देखें व्यूअर्स, ये दूसरा बाजू। व्यूअर्स ये देखें, ये हम इस तरह से लैस लगा सकते हैं, और ये जो फूल है ये हमारा बहुत प्यारा स्टाइल बन गया। ये देखें व्यूअर्स, ये हम इस तरह से लगा सकते हैं। ये व्यूअर्स आप चाहें तो किसी बारीक लेस का या इसका ही इस्तेमाल आप ये यहाँ भी लगाएं। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें व्यूअर्स, ये इस तरह से लगाएं। व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये स्टाइल बहुत पसंद आया होगा। अगली वीडियो आपके लिए बहुत प्यारी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।